नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, इसमें हम लोग एनसीईआरटी की ज्योग्राफी प्लस रिवीजन कर रहे हैं, इसका क्लास सेवेंथ की। इससे पहले हम लोगों ने सेवन चैप्टर तक देख लिया था। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास सेवेंथ के लास्ट के तीन चैप्टर, 8, 9 और 10। ठीक है, ये यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, सीजीएल सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये। देखिए, चैप्टर एट अगर आप देखें क्लास सेवेंथ का, तो इसमें ये है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंट्रैक्शन और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में दिया हुआ है। दो दो तीन तीन रीजन इसमें डिस्कस किए गए हैं, कि जैसे इसमें अमेजोन के बारे में पूरा बताया गया है। अमेजोन ये 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ के बीच में लोकेटेड है, इक्वेटर के पास। ये इक्वेटोरियल रीजन में है ये, और इसीलिए यहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है। अमेजोन जो रिवर है यहाँ इस रीजन से ये फ्लो करती है। ये अमेजोन के बारे में बताया कि जब स्पेनिश जो एक्सप्लोरर थे उन्होंने अमेजॉन रिवर को ये डिस्कवर किया था, तो उस टाइम एक लोकल ट्राइब ने उन पे हमला कर दिया था, और इन लोगों को देख के उनको याद आ गई थी उन वोमेन वॉरियर्स की, जो एंशियंट रोमन एम्पायर में उनको अमेजॉन बोलते थे, इसीलिए इसका नाम अमेजॉन रख दिया गया। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अमेजॉन जो रिवर बेसिन है, रिवर बेसिन क्या होता है? देखिए, एक होता है ट्रिब्यूटरी, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरी और एक होता है बेसिन। ट्रिब्यूटरी छोटी छोटी रिवर होती है, जैसे एक बड़ी रिवर चल रही है गंगा, उसमें सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी? उसकी यमुना, और कई सारी ये गंदक है। तो ये छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी थोड़ा थोड़ा पानी लाके मेन रिवर में कंट्रीब्यूट करती आती है, तो ये होती है ट्रिब्यूटरी। अब डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब है कि एक मेन रिवर जा रही है एकदम धीरे धीरे वो, और फिर वो जब वो ये यहाँ पे पहुंचने वाली होती है, मतलब जितना ज्यादा वो ट्रेवल करती है, फिर लास्ट में जब ये जैसे किसी ओशन से मिलने जा रही होती है, तो उसको छोटे छोटे ये रिवर्स में बट जाती है और अलग अलग स्ट्रीम निकल जाती है इससे। तो ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटरी, मतलब ये मेन रिवर से पानी लेके निकल लेती है। और एक हो गया बेसिन, बेसिन का मतलब हो गया टोटल, अगर कोई रिवर है प्लस उसकी जितनी भी जो रिवर्स हैं उनकी जो उसमें पानी कंट्रीब्यूट कर रही है, जो सभी कुछ जो मतलब मेन रिवर प्लस उसकी ट्रिब्यूटरी, इन सबको मिला के जो एक एरिया को ड्रेन करती है, उन सबको बोलते हैं उस रिवर का बेसिन, मतलब वो प्लस उसकी ट्रिब्यूटरी। अब ये जो अमेजॉन बेसिन है, ये किस किस कंट्री से पास होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेजॉन रिवर बेसिन देखिए, ब्राजील से पास होती है, पेरू से पास होती है, बोलीविया से पास होती है, इक्वाडोर से पास होती है, कोलंबिया, और प्लस कुछ स्मॉल पार्ट है वेनेजुएला के भी। तो वेनेजुएला देखिए इसमें, कोलंबिया है, कोलंबिया ऐसी कंट्री है जो पैसिफिक ओशियन को एटलांटिक ओशियन से कन्वर्ट ये कनेक्ट करती है, ये आप याद रखिएगा। ये मतलब ये दोनों में एक ऐसी इकलौती कंट्री है जो दो ओशियन से कॉमन है, ये क्वेश्चन आ सकता है जीके के लिए, ये आप याद रखिएगा। साउथ अमेरिका में कितनी कंट्रीज है, मैं आपको बता चुका हूँ, टोटल साउथ अमेरिका में 23 कंट्रीज है, ये भी मैं बता चुका हूँ आपको पहले। नॉर्थ अमेरिका में 12 कंट्रीज है, सबसे ज्यादा कंट्रीज अफ्रीका में 54 है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, एशिया में 48 कंट्रीज है करीबन, यूरोप में 44 कंट्रीज है ऑफिशियली यूएन के हिसाब से। ये क्लाइमेट बता रहे हैं कि अमेजोन का कैसा होता है, हॉट एंड वेट होगा, वेट होगा क्योंकि हमेशा बारिश होती रहती है, डे और नाइट हमेशा इक्वली ह्यूमिड होते हैं, हॉट भी होते हैं, स्किन वहाँ की स्टिकी होती है काफी, अगर आप वहाँ के लोगों की देखें, रेन डेली होता है रेन वहाँ पे, तो इक्वेटोरियल रीजन है। टेम्परेचर देखिए इसमें ये लिखा हुआ है, रात में टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन ह्यूमिडिटी हमेशा हाई रहती है, क्योंकि जो टोटल वहाँ की एनवायरमेंट में एयर में वाटर वेपर काफी ज्यादा है, क्योंकि रेन तो हमेशा हो रही है और वो इवेपोरेट होता ही जा रहा है वाटर। इसमें रेन फॉरेस्ट कौन को इसमें है, ये अमेजॉन के रेन फॉरेस्ट को सिल्वा बोलते हैं, और ये वर्ल्ड के इसको लंग्स बोलते हैं, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, ये आप याद रखिएगा। इसमें बहुत थिक होते हैं फॉरेस्ट है, और इसमें इतना ज्यादा ये थिक होते हैं कि इवन जो रूफ है इनकी, वो सनलाइट उनके जमीन तक नहीं पहुंच पाती, और इसीलिए जो ग्राउंड होता है जनरली बहुत डार्क होता है वहां पे, और वहां पे केवल शेडेड जो टॉलरेंट वेजिटेशन है वो उग सकती है, जैसे कि ऑर्किड्स, ब्रोमेलिएट्स, ये सब प्लांट पैरासाइट के रूप में ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, रेन फॉरेस्ट काफी ज्यादा फौना से भी रचे हैं, फौना मतलब हो गया जो एनिमल स्पीसीज, फ्लोरा मतलब हो गया ट्रीज स्पीसीज। ठीक है, बर्ड जैसे कि टाउकन्स और ये हमिंग बर्ड, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट सॉरी स्मॉलेस्ट बर्ड है, ये भी यहाँ पे पाई जाती है। उसके अलावा देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रोमेलाइट्स क्या होते हैं कि स्पेशल प्लांट होते हैं जो अपने अंदर वाटर स्टोर कर लेते हैं, और इसमें फिर जो कई सारे जानवर हैं, जो फ्रॉग्स इस वाटर को यूज करते हैं अपने अंडे रखने के लिए। फिर आना फिश यहाँ पे पाई जाती है इसमें अमेजोन बेसिन में, अनाकोंडा भी ये जैसे कई जगह मिलता है यहाँ पे इसमें, और प्लस और भी कई सारे रेप्टाइल्स और स्नेक्स रहते हैं यहाँ पे जंगल्स में, ये क्रोकोडाइल भी रहते हैं, ये सब चीजें हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो जैसे इसमें स्लैश एंड बर्न एक्चुअली एग्रीकल्चर का यूज करते हैं। स्लैश एंड बर्न का मतलब हो गया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है,
ये लोग क्या करते हैं कि एक पैच को मतलब एक जमीन के एरिया को वहां पे पेड़ वेड़ होते हैं उसको काट देते हैं पूरा और फिर उसको छोड़ देते हैं, उसको मतलब बर्न कर देते हैं, जला के छोड़ देते हैं। तो उसमें से क्या होता है कि न्यूट्रिएंट रिलीज हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा इंडिया में एनपीके होता है, तो जो उससे पोटेशियम मिल जाता है उस वहां की ग्राउंड को, और फिर वहां पे क्रॉपिंग कर लेते हैं। क्रॉपिंग कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये थोड़े दिन क्रॉपिंग करते रहते हैं लगातार, जब वहां की एकदम जो ये जितनी भी एफिशिएंसी होती है वहां की, जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की, खत्म हो जाती है तो दूसरी जगह पे मूव कर जाते हैं। ये इंडिया में भी होता है, इसको झूम कल्टीवेशन बोलते हैं। देखिए इंडिया में भी होता है ये, लेकिन ये पहले जमाने से बहुत ये मतलब ओल्ड प्रोसेस है, ये लोग करते रहे हैं। आजकल इसमें दिक्कत ये हो रही है, बहुत सारे लोग इसका विरोध करने लगे हैं, क्योंकि दिक्कत ये हो रही है कि आजकल ये लोग बहुत ज्यादा ऐसा होने लगा है। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए कहीं पे फॉरेस्ट को ये काटा गया, वहां पे फिर बर्न किया गया और वहां पे क्रॉपिंग की गई, लेकिन ये इतना ज्यादा होने लगा और प्लस उसके अलावा फॉरेस्ट वैसे ही कट रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इसमें। यहाँ पे देखिए जो स्टेपल फूड है यहाँ का अमेजोन का, वो है मैनियोक करके, कसावा बोलते हैं इसको। ये लोग क्वीन ऑन्स और ये एक्स एक्स भी ये खाते हैं, ये रहते हैं जो लार्ज इनके अपार्टमेंट होते हैं उनको बोलते हैं मलोका। इसमें स्टीपी स्लैंटिंग रूफ होती है, ठीक है, इसी स्लैंटिंग इसलिए होती है कि बारिश का पानी वहां पे एक्युमुलेट ना हो सके। तो ये सब चीजें इसमें बताई गई, ये डेवलपमेंट की वजह से फॉरेस्ट घट रहे हैं, ये सब है। गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन अगर आप देखें तो ये 10 नॉर्थ, 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ, गंगा की कई सारी ट्रिब्यूटरी के बारे में बोला है, घाघरा, सोन, चंबल, ये गंदक, कोसी, ब्रह्मपुत्र की भी ट्रिब्यूटरी देखिए। एक रिवर का हम देखेंगे पूरा, उसमें पूरा जितनी भी रिवर्स हैं जो इंपॉर्टेंट उसकी ट्रिब्यूटरी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। फिर ये इसमें बोला है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो ये नदियां हैं वो मिलके एक सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा होता है ये, ठीक है, ये इंडिया और बांग्लादेश दोनों में होता है यहाँ का। फिर ये मानसून क्लाइमेट है, यहाँ की जो मानसून है सिर्फ जून से लेकर सितंबर तक आती है। पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बताया, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं। इंडिया की किस समय कितनी है, 382 है, और यूपी की कितनी है, 829 है। यहाँ पे बोला गया है कि जैसे जो माउंटेन एरियाज में कम लोग रहते हैं क्योंकि इनहॉस्पिटेबल टेरेन होती है, काफी वहां पे मतलब घर बनाना पॉसिबल नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है, एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं, इसलिए कम लोग रहते हैं वहां पे। प्लेन एरिया में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, प्लेन एरिया में सबसे फर्टाइल लैंड भी है, वाटर भी है, और प्लस इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी बनाया जा सकता है। सॉइल भी बहुत अच्छी है, एलुवियल सॉइल है। यहाँ की जो मेन क्रॉप है पैडी है, वीट, मेज, ये सब भी उगाई जाती है। कैश क्रॉप जैसे कि सुगर केन और जूट भी उगाई जाती है। वेस्ट बंगाल असम में टी भी उगाई जाती है, सिल्क भी प्रोड्यूस की जाती है, सिल्क वॉर्म का कल्टीवेशन किया जाता है बिहार और असम में। इसके बाद ये थिक बंबू जो ग्रोव्स हैं ये ब्रह्मपुत्र प्लेन में मिलते हैं। डेसीडुअस ट्रीज भी यहाँ पे पाए जाते हैं जैसे कि टीक, सल और पीपल, ये सब चीजें हैं। और मैंग्रोव फॉरेस्ट भी अगर आप देखें तो यहाँ पे मेन चीज तो मैंग्रोव फॉरेस्ट ही है। ये जो डेल्टा एरिया होता है ये गंगा ब्रह्मपुत्र का, सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं यहाँ पे। उसमें गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसन की सभी के बारे में बताया यहाँ पे, जैसे उत्तराखंड और जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश माउंटेनियस जो एरिया है वहाँ पे कॉनिफरस ट्रीज पाए जाते हैं, पाइन, देवदार और फर करके, ठीक है। यहाँ पे फिर ये वाइल्ड लाइफ के बारे में, फौना के बारे में बताया, वन ऑन राइनोसर्स पाया जाता है कहाँ पे, असम में ब्रह्मपुत्र प्लेन में। डेल्टा एरिया में बंगाल टाइगर पाया जाता है, क्रोकोडाइल, एलिगेटर पाया जाता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो पॉपुलर वेराइटी है फिश की, रोहू, कटला एंड इसला, ये आप याद करिए। देखिए इसीलिए मैंने इस पूरे जो वीडियो में सीरीज बना रहा हूँ उसमें रेड कलर से जो मार्क कर रहा हूँ उसको बहुत फोकस करके देखना है, वही वाले चीजें वो मतलब जो पॉइंट है एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो मोस्ट पॉपुलर फिश कौन, मोस्ट पॉपुलर वेरायटी ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की है, रोहू, कटला एंड इसला, ये आप याद कर लीजिएगा। फिश एंड राइस यहाँ की स्टेपल डाइट है, फिश एंड राइस यहाँ जापान की भी काफी ज्यादा स्टेबलाइज है। टेरेस फार्मिंग होती है, टेरेस बिल्ड कर दी जाती है यहाँ पे, और इससे कि ताकि जो जैसे अगर पानी आ रहा है डायरेक्ट आ रहा है तो यहाँ पे टेरेस बिल्ड कर देते हैं ताकि थोड़ी देर पानी रुके और एकदम से रैपिडली ना करे और पूरी तरह से जो वहाँ की सॉइल है उसको इरोड ना कर दे, उसकी लेयर को इरोड ना कर दे, इसलिए टेरेस फार्मिंग की जाती है। ये देखिए इसमें बताया गया कि रिवर गंगा और डोल्फिन में एक डोल्फिन की वेराइटी है सू सू, उसको बोलते हैं ब्लाइंड डोल्फिन, वो पाई जाती है। अगर सू सू किसी भी मतलब ये सू सू उससे मत समझिएगा, ये सूसू एक रिवर, ये डॉल्फिन की वैरायटी है जो कि ब्लाइंड डॉल्फिन होती है, और अगर ये किसी रिवर में पाई जाती है मतलब कि उसकी हेल्थ बहुत अच्छी है, तो इट इज एन इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ द रिवर, ठीक है, केमिकल और इन सब पॉल्यूशन की वजह से ये घटती जा रही है। बाकी ये सब ऐसी चीजें लिखी हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए टोकन्स क्या है, ये बर्ड है, मैनियोक क्या है, स्टेपल फूड है,
अमेजोन का कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, देवदार और फर क्या है, कॉनिफरस ट्रीज है, बंगाल टाइगर पाया जाता है डेल्टा एरिया में, कॉटन टेक्सटाइल और ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। फिर आना क्या है, अभी हमने देखा था एक स्पीसीज है फिश की, सिल्क वॉर्म कहाँ पर ये उगाए जाते हैं, ये मतलब सिल्क वॉर्म मतलब सेरिकल्चर हो गया, काजीरंगा मतलब असम में हो गया, ये जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मलोका क्या है, ये मलोका क्या है, ये स्लैंटिंग रूफ वाले जो घर बनाते हैं ये अमेजोन में लोग। कॉटन टेक्सटाइल ये कहाँ पे होगा, वाराणसी या फिर गंगा के प्लेन में आप ये कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया पूरा, अब ये वाला 8 चैप्टर खत्म हो गया, 9 चैप्टर पे चलते हैं। ये है लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड, मतलब देखिए दो टाइप के ग्रासलैंड होते हैं, अभी हमने बताया था आपको एक ट्रॉपिकल और एक टेम्परेट। ट्रॉपिकल वाले एग्जाम्पल भी हमने देखे थे, टेम्परेट वाले भी देखे थे, देखिए वो रट डालिए एकदम, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीजें। देखिए ट्रॉपिकल और हमने ये देखे थे पूरे, ये जो हमने चैप्टर 6 में देखा था। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन कौन से हैं, ईस्ट अफ्रीका में है सवाना, ब्राजील में है कंपोस, और वेनेजुएला में है इलानोस, लानोस है सॉरी। टेम्परेट में कौन कौन से, अर्जेंटीना में पंपास, नॉर्थ अमेरिका में प्रायरी, साउथ अफ्रीका में फेल्ट, और सेंट्रल एशिया में स्टेप, ऑस्ट्रेलिया में डाउन, ठीक है। उसमें से दो के एग्जाम्पल लिए हुए, प्रायरीज के बारे में बताया, नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं ये, और यहाँ पे एक्चुअली जो ग्रास है बहुत ज्यादा टॉल होती है, यहाँ की जो ग्रास है करीबन 2 मीटर हाई की होती है, और इसीलिए यहाँ जो प्रेरीज को बोलते हैं सी ऑफ ग्रास। तो ये पूछा जाता है तो आपसे सी ऑफ ग्रास किस ग्रासलैंड को बोलते हैं, तो ये प्रेरीज को बोलते हैं जो नॉर्थ अमेरिका में है। प्रेरीज के देखिए अगर आप वेस्ट में रॉकी माउंटेन और ईस्ट में ग्रेट लेक्स हैं, जो इनका एरिया है प्रेरीज का वो ड्रेन करती है यूएसए में, करती है मिसिसिपी रिवर और कनेडिया, जो देखिए प्रेरीज जो है ये पूरा यूएस और कनाडा दोनों में फैले हुए हैं, पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में फैले हुए हैं ग्रासलैंड। यूएसए वाला एरिया मिसिसिपी ड्रेन करती है, कनाडिया वाला एरिया सस्का चेवन करके रिवर है वहां वो करती है, ये है देखिए प्रेरीज पूरा। कनाडा में भी है ये, तो ये कनाडा में कौन सी रिवर है, सस्का चेवन रिवर, और ये जो यूएसए में है ये मिसिसिपी रिवर ये ड्रेन करती है। देखिए ग्रासलैंड जो प्रेरीज के हैं ये होम है, ये नेटिव अमेरिकन को उनको बोलते हैं रेड इंडियंस, और यही एक्चुअली यहाँ के हैबिटेंट थे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखें और भी यहाँ पे कई सारे ट्राइब्स रहते हैं, जैसे अपाचे, द क्रो, द क्री और पावनी करके। यहाँ पे देखिए एक चिनूक करके हॉट लोकल विंड होती है, विंटर के टाइम पे वो बहती है, और वो जो वहाँ का टेम्परेचर है थोड़ा सा बढ़ा देती है, तो ओवरऑल लोगों को ये थोड़ा सा सहूलियत देती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर गिर जाता है जब, तो चिनूक एक हॉट विंड बहती है वहाँ पे, एक्सट्रीम टेम्परेचर है क्योंकि यहाँ कॉन्टिनेंटल टाइप होता है, तो समर में गर्मी होती है 20 डिग्री के आसपास, विंटर में भी -20 डिग्री तक चला जाता है, कनाडा में तो पूरा स्नो हो जाता है, स्नो स्नो, और चिनूक पाई जाती है, ये अभी मैंने बताया आपको। फ्लोरा फोना में कि अगर आप देखें, फ्लोरा में ट्री तो है ही नहीं क्योंकि ग्रासलैंड है पूरा ये, तो ट्री तो है नहीं, कहीं कहीं जो थोड़ा बहुत वाटर होता है तो वहां पे कुछ ट्रीज उग जाते हैं, जैसे कि विलोज, विलोज एल्डर्स और पॉपलर्स ये ग्रो कर जाते हैं। तो ये पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, ग्रासलैंड में प्रायरी में कौन कौन से ट्रीज ग्रो कर जाते हैं, विलोज एल्डर्स और पॉपलर्स। मेजर एरिया सॉरी मेजर जो क्रॉप है यहाँ की मेज है, और यहाँ पे अगर आप देखें इसमें सबसे ज्यादा ये जो एरियाज हैं जितने भी प्रायरीज वाले, ये बहुत ज्यादा सुटेबल है कैटल रियरिंग के लिए, बहुत बड़े बड़े कैटल फार्म होते हैं जिनको रैंचेस बोलते हैं, और इसमें फिर ये काउमैन जो होते हैं वो इनको लुक आफ्टर करते हैं, केयर टेक करते हैं इनकी। बाइसॉन या फिर अमेरिकन बफेलो ये सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल है यहाँ का, और भी कई सारे पाए जाते हैं। फिर जो यहाँ के लोग हैं बहुत ज्यादा साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं, और इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखें तो अमेरिका को एक सरप्लस फूड प्रोड्यूसर बना रखा है, इसीलिए प्रेरीज को ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड कहाँ पे बोलते हैं, प्रेरीज को बोलते हैं यूएस और कनाडा की, जो क्योंकि बहुत ज्यादा वीट प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिटीज भी हैं, मिनरल्स भी पाए जाते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। फेल्ट्स हैं ये साउथ अमेरिका में है, ठीक है, ये नाम दिया था डच ने दिया था साउथ अमेरिका को जब कॉलोनाइज किया था, ये इस जगह पे है फेल्ट, WVELD होता है नाम इसका, लेकिन इसको प्रोनंसिएट करते हैं फेल्ट। तो टेम्परेट ग्रासलैंड है साउथ अफ्रीका के हैं ये। इसमें देखिए ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन ईस्ट में है, देखिए अगर आप इसमें देखें तो ये है ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन ईस्ट में, और इसमें अगर आप इसमें देखेंगे तो इसके नॉर्थ ईस्ट में ये वेस्ट में कालाहारी डिजर्ट है, तो देखिए ये इधर है कालाहारी डिजर्ट और प्लस इधर है ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन, ये अफ्रीका में अगर आप देखें इसमें, ठीक है। और थोड़ा जूम करके देख लेते हैं, ये है पूरा फेल्ट और इसमें इधर है कालारी डिजर्ट और इधर है ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन, ये थोड़ा सा जूम करके दिखा दिया है आपको, वैसे भी रिवीजन कर रहे हैं हम पूरा इसमें, इसमें जो ये
वाला रीजन है, फेल्ट वाला, इसमें ऑरेंज और लिम्पोपो रिवर जो है ड्रेन करती है इस रीजन को। बाकी यहाँ का क्लाइमेट माइल्ड होता है ये इंडियन ओशियन, क्योंकि यहाँ पे बगल में ये ओशियन है, इसकी वजह से सी ब्रीज और लैंड ब्रीज वाला इफेक्ट रहता है यहाँ पे। विंटर कोल्ड और ड्राई होती है, जुलाई कोल्डेस्ट मंथ होता है, समर भी शॉर्ट और वार्म होती है। ठीक है, रेनफॉल जनरली समर मंथ में आती है, नवंबर टू फरवरी में, और ये क्योंकि साउथर्न वाले हेमिस्फेयर में है इसीलिए यहाँ पे रेनफॉल नवंबर टू फरवरी में आ रही है। वार्म ओशियन करंट की वजह से कई बार ये जो रेनफॉल, ये अगर आप देखें तो ये शोर्स पे मतलब रहती है, और रेनफॉल विंटर मंथ में भी कई बार आ जाती है, जून से लेके अगस्त तक की। फ्लोरा और फौना में बहुत ज्यादा वेजिटेशन इतनी नहीं है, लेकिन ग्रासेस है पूरा, क्योंकि वैसे भी ग्रास लैंड है तो यहाँ पे ग्रासेस ही है। रेड जो ग्रास होती है यहाँ पे पाई जाती है यहाँ पे बुश फेल्ट में, और यहाँ पे कई सारी स्पीसीज जैसे एकेकिया और मरूला ये ग्रो कर जाती है। यहाँ के एनिमल कौन कौन से हैं, लायंस है, लेपर्ड है, चीता और कुडू है। लोग यहाँ पे कैटल वियरिंग, माइनिंग करते हैं, माइनिंग काफी ज्यादा फेमस है अफ्रीका में। शिप रियरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन यहाँ का है जो फेल्ट वाले रीजन का, शिप रियरिंग है। और ये मेरिनो शिप एक है, बहुत पॉपुलर स्पेसीज है। ये पूछा जा सकता है कि मेरिनो क्या एक शिप है, और इसका ये किस लिए यूज होती है, वुल के, ये वुल के लिए यूज होती है। ठीक है, वुल इंडस्ट्री के लिए मेनली मेरिनो की लोग शिप रियरिंग करते हैं, और यहाँ पे रिजर्व तो है ही पूरे दुनिया भर के, जैसे जोहान्सबर्ग गोल्ड कैपिटल दुनिया की जाना जाता है, किम्बरले है फेमस डायमंड माइंस के लिए। तो ये हो गया चैप्टर खत्म। रिवर मिसिसिपी किसको ड्रेन करती है, यूएस के प्रेरीज को, और सस्काचेवन किसको करती है, कनाडा की प्रेरीज को। ड्रैकनबर्ग्स माउंटेन है वेस्ट में, और ईस्ट में क्या है, कालाहारी डिजर्ट है, सॉरी ड्रैकनबर्ग्स जो माउंटेन है ये वेस्ट में है फेल्ट के, और मेरिनो क्या है, ये स्पेसीज है शिप की। किम्बरले डायमंड के लिए फेमस है, काउबॉयज प्रेरीज, ये अभी हमने देखा था प्रेरीज में जो ट्रेंचेस को कैटल रियरिंग करते हैं, गोल्ड की कैपिटल है जोहान्सबर्ग, कुडू है एनिमल, चिनूक हॉट विंड है जो कि प्रेरीज में बहती है, टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा देती है, और जो इन उस समय का मतलब हैबिटेशन के लिए काफी उपयुक्त है वो। कोल ये देखें अगर आप, तो ये वेल्ट वाले रीजन में काफी ज्यादा मिनरल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वाला हो गया पूरा, और इसके बाद लास्ट चैप्टर है क्लास 7 का, डिजर्ट्स के बारे में बताया। डिजर्ट का मतलब ये होता है, बेसिक मतलब ये होता है कि जहाँ पे रेनफॉल काफी ज्यादा कम होती है, एक्सट्रीम टेम्परेचर होते हैं पूरे, और यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर मतलब दिन में बहुत ज्यादा हॉट होगा और रात में बहुत ज्यादा कूल होगा, क्योंकि लैंड वाला एरिया जनरली रहता है, तो जो इसमें ये जैसे ये इफेक्ट होता है, जो जैसे सी ब्रीज हो गया, लैंड ब्रीज हो गया, तो लैंड बहुत जल्दी हीट डिसिपेट कर देती है और बहुत जल्दी एब्जॉर्ब भी कर लेती है, तो वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे होती है। एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर होता है यहाँ पे, बहुत कम रेनफॉल होती है, बहुत जरा जरा सी वेजिटेशन, स्कैंटी बहुत कम होगी वेजिटेशन, और एक्सट्रीम टेम्परेचर होंगे। सबसे पहले बात की सहारा की, सहारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट है, लार्जेस्ट डिजर्ट नहीं है, क्योंकि लार्जेस्ट डिजर्ट है वर्ल्ड का अंटार्कटिका, वैसे अंटार्कटिका को कॉन्टिनेंट मानते हैं, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजर्ट इसी को बोल सकते हैं। सेकंड लार्जेस्ट वैसे आर्कटिक है। जो सहारा डिजर्ट है 11 कंट्रीज से पास होता है, उन 11 को याद रखने की ट्रिक क्या है, वेस्ट एम क्यूब क्लैन या फिर वेस्ट मे क्लैन, ये मैं बता चुका हूँ पहले भी। वेस्ट मतलब हो गया डब्ल्यू से हो गया वेस्टर्न सहारा, ई से हो गया इजिप्ट, एस से हो गया सूडान, टी से हो गया ट्यूनिशिया, मे यानी कि एम क्यूब माली, और इसमें कौन सा हो गया मॉरिटेनिया, और इसमें एक और है मोरक्को, और क्लैन से क्या हो गया चैड और लीबिया और अल्जीरिया और निजर। 11 कंट्री से पास होता है सहारा, और इसका एरिया करीबन 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि इंडिया का 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, काफी बड़ा इंडिया से मतलब ये भी। ये है पूरा सहारा, 11 कंट्रीज में फैला हुआ है, इसके ऊपर है मेडिटेरेनियन सी, और इधर है इसके वेस्ट में अटलांटिक ओशियन, ये रेड सी है, इधर पर्शियन गल्फ है, इधर इंडियन ओशियन है, इधर है अटलांटिक ओशियन। ये क्लाइमेट के बारे में बताया कि बहुत ज्यादा हॉट होता है एकदम, और डेज बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं कई बार, नाइट में भी बहुत फ्रीजिंग कोल्ड हो जाता है, क्योंकि 0 तक मतलब पहुंच जाता है, क्योंकि लैंड की प्रॉपर्टी होती है बहुत जल्दी हीट अब्सॉर्ब भी करता है और ये रिलीज भी कर देता है। एल अजीजिया करके सहारा में है लीबिया में, उसने अभी तक का हाईएस्ट टेम्परेचर ये रिकॉर्ड किया है 57.7 डिग्री। फ्लोरा फौना भी बहुत ही कम है यहाँ पे, कैक्टस है जो भी मतलब डिजर्ट वाली जितनी भी स्पीसीज होती है, कैक्टस है, डेट पाम्स हो गया, एकेकिया हो गया, एकेसिया या एकेकिया जो भी आप बोल सकते हैं, इसमें यहाँ पे इंग्लिश पे फोकस नहीं है, यहाँ पे फोकस है ज्योग्राफी पे। तो कुछ प्लेसेस पे ओआसिस भी होते हैं, मतलब कि ग्रीन आइलैंड होते हैं, वहाँ डेट पाम की
डेट पाम बहुत सारे पाए जाते हैं, कैमल यहाँ पे होता है, जैकाल्स, फॉक्स, स्कॉर्पियन, ये सब पाए जाते हैं। देखिए इसमें ये एक ओआसिस का क्या चीज होती है, कई बार जब विंड बहुत तेज चलती है तो वहां पे डिप्रेशन हो जाते हैं, मतलब एक जगह की तो जितना भी सैंड है उसको उड़ा के ले आती है, तो डिप्रेशन क्रिएट हो जाते हैं गड्ढे टाइप के, और फिर क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है वो कई बार ऊपर तक पहुंच जाता है, उसकी वजह से सरफेस तक आ जाता है, तो उसकी वजह से वहां पे जो एरिया है वो फर्टाइल हो जाता है और वहां पे डेट पाम्स ग्रो कर लिए जाते हैं, वहां पे ग्रो किए जाते हैं, उनको ओआसिस वाला एरिया बोलते हैं। बहुत छोटे छोटे एरियाज होते हैं वैसे तो, ये एक टफिया लेट करके ओआसिस है, मोरक्कम बहुत बड़ा है वो काफी। लोग यहाँ पे कई सारे, जैसे हार्श क्लाइमेट में बहुत सारे टाइप के ट्राइब्स होते हैं, ये बिडुइंस करके और टुआरेग्स, ये सहारा में पाई जाती हैं, नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं ये, ठीक है। और इसमें ये लोग हैवी रोप्स ये पहनते हैं ये, ताकि ये डस्ट स्टॉर्म और हॉट विंड से अपने आप को बचा सकें। उसके बाद ये देखिए, ये लाइव स्टॉक इनके कौन कौन से, गोट्स है, शिप्स है, कैमल्स और हॉर्स है, वो उनको मिल्क और ये सब चीजें देते हैं। ओआसिस जो सहारा पे है और प्लस जो नील वैली इजिप्ट में है, ये वहाँ की सेटल्ड पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, तो ओआसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्रेशन क्रिएट होंगे, अंडरग्राउंड वाटर ऊपर आ जाएगा, वहां पे फिर डेट पाम का ग्रो कर सकते हैं। ऑयल ये पाया गया ये अफ्रीका में, तो इसलिए तो है ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पोल डिजर्ट ये लद्दाख से रिलेटेड है, ये लद्दाख है, ये पोल डिजर्ट है, ग्रेट हिमालय में पाया जाता है, ईस्टर्न में है, ये ईस्टर्न पार्ट में है जम्मू कश्मीर के, सब इसके ऊपर नॉर्थ में काराकोरम। देखिए एक एक याद रखिएगा, एक ट्रिक जो माउंटेन रेंजेस हैं हिमालय और ट्रांस हिमालय की, याद रखिए के एल जेड पी डी, यानी कि नॉर्थ से लेके साउथ तक, के एल जेड पी डी, के से हो गया काराकोरम, उसके साउथ में आता है लद्दाख, उसके साउथ में आता है जास्कर, उसके साउथ में आता है पीर पंजाल, और उसके साउथ में आता है धौलाधार। तो ये आप पांच याद कर लीजिएगा नॉर्थ से साउथ तक। इसमें बताया गया बहुत सारी रिवर फ्लो करती हैं, ये बहुत, जैसे वो बहुत ज्यादा हॉट है, ये बहुत ज्यादा कोल्ड है। इसका जो एल्टीट्यूड है करीबन कारगिल में 3,000 से लेके काराकोरम में 8,000 तक है। द्रास ये कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है अर्थ में, वैसे तो वर्ल्ड का कोल्डेस्ट प्लेस यहाँ पर ही अंटार्कटिका में, लेकिन इनहेबिटेड मतलब लोग यहाँ पे रहते हैं। टेम्परेचर बहुत कम रहता है यहाँ पे, 0 डिग्री तो समर में पहुंचता है, और जनरली नाइट में तो -30 ही रहता है जनरली। ये वाला एरिया देखिए पूरा, सियाचिन ग्लेशियर वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लेशियर, वो हाईएस्ट ग्लेशियर है सॉरी, ये है पूरा लद्दाख एरिया। ये इंडस रिवर यहाँ से जा रही है, श्योक रिवर है ये इंडस की ट्रिब्यूटरी, और ये इंडस रिवर है, ये के एल जेड डी पी आप याद रखिएगा, के एल जेड पी डी। रेन शेडो, रेन यहाँ पे नहीं होती है, बहुत कम रेन होती है, 10 सेंटीमीटर होती है करीबन। फ्रीजिंग विंड चलती है और बर्निंग हॉट सनलाइट भी, मतलब यहाँ पे ये यह है कि आपको ये सरप्राइज हो सकता है कि आपको ऊपर से तो सनलाइट आ रही है, तो वो सनलाइट सन स्ट्रोक पड़ सकता है प्लस फ्रॉस्ट बाइट, क्योंकि नीचे काफी ठंडा है, तो ये दोनों ही चीजें एक साथ आप यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे, ये ऐसा पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा प्लेस है इंडिया में जहाँ पे सन स्ट्रोक और फ्रॉस्ट बाइट एक साथ आप सफर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो है ये लद्दाख वाला रीजन। लद्दाख मतलब होता है स्नोलैंड, काफाचान बोलते हैं इसको। फ्लोरा फोना बहुत कम है यहाँ पे, फ्लोरा और मतलब फ्लोरा, ये जितने भी जो ट्रीज हैं है ही नहीं, वेजिटेशन बहुत कम है यहाँ पे, बहुत छोटी छोटी ग्रास और श्रब्स कई बार होते हैं यहाँ पे। विलोज और पॉपलर ये दो, ये जो फ्लोरा है ये मतलब ये वाले ट्रीज यहाँ पे उग जाते हैं, और भी कई सारे फ्रूट्स ट्रीज हैं जैसे कि एप्पल वाले, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं, एप्पल है, एप्रिकॉट है, वॉलनट है, कई सारी बर्ड पाई जाती हैं, रॉबिन्स है, ये सब रॉबिन रेड स्टार, तिब्बतियन स्नोकॉक, रेवन और होप करके है, ये कुछ इसमें से माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं। और यहाँ पे जैसे एनिमल्स हो गए, वाइल्ड गोट हो गया, वाइल्ड शिप हो गया, याक हो गए, चिरू या फिर तिब्बतियन जो एंटीलोप होता है, ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है, और ये हंटिंग की जाती है वुल के लिए इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं शैतूस। बहुत वेट, लाइट वेट होता है और बहुत ज्यादा वार्म होता है, ये यहाँ के लोग यूज करते हैं इसको पहनने के लिए। जो क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं वो विलो ट्रीज के बनाए जाते हैं, विलो और पॉपलर यहाँ पे पाए जाते हैं, विलो और पॉपलर ये लद्दाख में पाए जाते हैं, ठीक है। काफी ज्यादा यहाँ पे मतलब रेनफॉल होती नहीं है और एक्सट्रीम टेम्परेचर है, कोल्ड बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब कि ज्यादातर जो यहाँ के लोग हैं वो या तो मुस्लिम है या फिर बुद्धिस्ट है, और यहाँ के लोग रिजेंबल करते हैं एक तरह से, दिखते हैं तिब्बत और सेंट्रल एशिया के लोगों की तरह। कुछ फेमस मोनेस्ट्रीज हैं जैसे हेमिस, थिक्से, शे और लेमा यूरू,
फिर ये इतना ज्यादा यहाँ पे मतलब हार्श टेम्परेचर रहता है कि लोग अपने आप को कुछ ना कुछ बिजी रखते हैं किसी फेस्टिवल में या फिर सेरेमनीज में। ले कैपिटल है जो लद्दाख की, वो कनेक्टेड रोड और एयर दोनों से, और नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट करता है लेह से कश्मीर तक का। चोजिला पास है यहाँ पे, टूरिज्म मेन एक्टिविटी है यहाँ पे, और प्लस कई सारे विजिट भी होती रहते हैं। ये सब चीजें यहाँ पे है। मनाली जो ले हाईवे है वो चार पासेज है वहाँ पे, रोहतांग ला, बारा लचाला, लुंगला लचाला, टांगला ला, ये सब है। और ये मेनली फाइनली कुछ आंसर आप देख सकते हैं, सहारा कहाँ पे लोकेटेड है, नॉर्थन में। सहारा हॉट डिजर्ट है, लद्दाख कोल्ड डिजर्ट है। लद्दाख को मेनली इनहेबिटेड करते हैं, मतलब लोग रहते हैं बुद्धिस्ट और ये मुस्लिम्स। डिजर्ट को कैरेक्टराइज किससे करेंगे, स्कैंटी वेजिटेशन से। तो इसी के साथ एक क्लास 7 की हमने ज्योग्राफी खत्म कर ली। हेमिस ये क्या है, एक मोनेस्ट्री है। जो इजिप्ट क्या है, क्रोइंग है। ये इजिप्ट के इसलिए फेमस है कॉटन के लिए। तो देखिए इसके साथ हमने क्लास 7 तक की पूरी ज्योग्राफी का रिवीजन कर लिया है, पार्ट 7 था ये। प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा अगर आपको पसंद आ रहा है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो उतना दूसरे लोगों तक पहुंच जाएगा। इतनी रिक्वेस्ट है आपसे, कम से कम इतना कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।